हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आज की गोल्ड एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, आज मार्केट काफी ज्यादा कंफ्यूज है। ऐसे मार्केट में हमें कैसे एनालाइज करना चाहिए, किस तरीके से एक सेटअप बन रहा है आज गोल्ड में, किस डायरेक्शन का मोमेंटम आ सकता है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, चलिए इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले आवरली टाइम फ्रेम में देखेंगे मार्केट के स्ट्रक्चर को, मार्केट ने प्रीवियस डे किस तरीके से ट्रेड किया है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा ट्रेडर्स, प्रीवियस टाइम मार्केट ने बहुत बढ़िया से देखो एक डबल टॉप जैसा सबसे फर्स्ट बना है। इसके बाद यहाँ पे ये डबल टॉप का निकलाइन, यहाँ से जिसको हमें पैटर्न भी बोलते हैं, निकलाइन का ब्रेकडाउन किया। सभी ट्रेडर्स के, जिन्होंने भी यहाँ पे सेल किया होगा, सभी ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस उड़ाए। अगेन मार्केट ने देखो यहाँ से रेसिस्टेंस से फिर से रिजेक्शन कर किया, काफी बढ़िया सा। फिर से देखो प्रीवियस जो लो था ना, काफी बढ़िया सा लो था। इस लेवल को मार्केट ने मल्टीपल टाइम यहाँ पे देखो सपोर्ट लिया था, राइट। मार्केट ने बढ़िया सा इस लेवल को रिस्पेक्ट किया, अगेन यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक आया, इसके बाद देखो बढ़िया सा ब्रेकडाउन किया है। तो फिर से यहाँ से बहुत सारे रिटेल ट्रेडर ने सेल किया होगा सी के ब्रेकडाउन को देखकर, लेकिन फिर से मार्केट ने सभी के स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट किए, सभी के स्टॉप लॉस इस लेवल के आसपास होंगे, सभी के स्टॉप लॉस हिट किए। फिर से देखो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन कर रहा है ना। तो अभी देखा जाए तो मार्केट बहुत ज्यादा एक साइडवेज जैसा बिहेव कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखो सेलर्स ने जो कैंडल्स यहाँ पे बनाई है, देख पाएंगे आप, सेलर्स ने जो कैंडल्स यहाँ पे बनाई, देखिए एक भी कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है यहाँ पे, एकदम छोटी छोटी सी बेरिश कैंडल यहाँ पे बनाई है, ठीक है। अभी अगर देखा जाए ट्रेडर्स तो देखो ये एक लेवल है सपोर्ट का, जिसको मार्केट बहुत बढ़िया सा अभी रिस्पेक्ट कर रहा है, बहुत अच्छा लेवल है ये। इसी जोन को आगे के लिए अगर एक्सटेंड करेंगे तो ये बहुत शानदार सा लेवल निकल के आ जाता है एज ए सपोर्ट के लिए। ट्रेडर्स पूरा जोन ये काफी अच्छा सपोर्ट है, देखो सपोर्ट लिया है यहाँ पे मार्केट ने, सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया है, फिर से देखो सपोर्ट लिया और अगेन देखो यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। तो अभी ये सपोर्ट की तरह ही काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला लेवल ब्रेक डाउन किया था, बट अभी जो सपोर्ट निकल के आ रहा है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बहुत अच्छे से प्राइस इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है, ठीक है। ब्रेक डाउन करने के लिए भी ट्राई कर रहा है, लेकिन अभी ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा मार्केट। ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, इसका लेवल है 2495.90 एंड 2490.92 के आसपास का ये एक सपोर्ट जोन है, ठीक है, बहुत बढ़िया सा सपोर्ट है। अभी यहाँ पे देखो सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद एक पुल बैक आया, पुल बैक के बाद देखो यहाँ से जो कैंडल्स मार्केट बना रहा है, अगर यहाँ पे एक बढ़िया सा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता तो फिर यहाँ पे हो सकता है मैं भी थोड़ा बहुत पुल बैक के बाद यहाँ से ब्रेक डाउन कर सकता था। अगर यहाँ से सेलिंग के लिए हम देख रहे हैं तो ये सपोर्ट का ब्रेक डाउन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन होगा तो फिर हमें एक बढ़िया सा डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे कितना मार्केट डाउनफॉल कर सकती है अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करती है, तो अगर इस सपोर्ट जोन को ब्रेक डाउन करती है ट्रेडर्स, तो ये वाला एक सपोर्ट एरिया है जिसको प्रीवियस टाइम मार्केट ने बढ़िया सा सपोर्ट लिया था, ये वाला एक जोन निकल के आ रहा है, काफी बढ़िया सा सपोर्ट है। प्रीवियस टाइम भी देखा जाए तो देखो मार्केट ने सपोर्ट लिया था इस लेवल को। यहाँ पे हम लेवल इसका चेक कर लेंगे 2481.90 एंड 2478.15 का, ये एक सेकंड सपोर्ट जोन सपोर्ट एरिया दिखाई दे रहा है। मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी दिखाना चाहूंगा गाइस, ताकि आपको अच्छे से यहाँ से समझ में आए। देखो मार्केट में यहाँ बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, देखो सेलिंग के लिए बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, सिर्फ ये एक वन कैंडल यहाँ पे बनी थी, लेकिन इसके बाद देखो बायस फिर से यहाँ से एक्टिव हो गए। अभी अगर देखा जाए तो फिर से एक रेंज जैसा ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। ये एक लेवल है रेसिस्टेंस का, ठीक है, इस तरीके से, और ये जोन है सपोर्ट का। तो अभी बस रेंज में ही मार्केट ट्रेड कर रहा है, मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है, रेसिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, रेसिस्टेंस ले रहा है, फिर से देखो सपोर्ट, फिर से बुलिशनेस शो कर रहा है। तो अगेन हो सकता है मैं भी रेसिस्टेंस के आसपास आए। यहाँ पे देखो ऐसे टाइम पे हमें ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए, जब तक हमें प्रॉपर सेटअप ना मिले ना गाइस, जब तक मार्केट में बढ़िया सा मोमेंटम ना आए, तब तक हमें ऐसे मार्केट में पैसा नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हाई होती है ऐसे मार्केट में लॉस करने की। सबसे पहले यहाँ पे इंतजार करो, अगर ये सपोर्ट टूटता है, ब्रेक डाउन करता है, रिटेस्ट करता है, बढ़िया सा कोई सेलिंग का सेटअप मिलता है, तो फिर यहाँ पे डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सेकेंड कंडीशन यहाँ पे है, अगर ये रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट करे, ध्यान रखना क्योंकि मार्केट एकदम साइडवेज है और अभी सपोर्ट पे भी ट्रेड कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से फिर से इस रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट करे। अगर रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है तो फिर हमें एक अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट रेंज बना रहा है, तो रेंज से बाहर निकलेगा मार्केट तो हमें एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बाकी आप देख सकते हैं मार्केट में ज्यादा पोटेंशियल नहीं है, मार्केट एकदम छोटा छोटा सा कैंडल यहाँ पे बना रहा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल कुछ भी नहीं बना रहा। जैसे प्रीवियस डे की बात करें
करें तो प्रीवियस डे तो मार्केट बहुत बढ़िया सा यहाँ से कैंडल से बना रहा था, लेकिन अभी देखो क्या बना रहा है, क्या ही कैंडल है, एकदम साइडवेज जैसा बिहेव कर रहा है। तो मार्केट को थोड़ा यहाँ पे ट्रेड करने दो, थोड़ा पैटर्न बनाने दो, इसके बाद ही यहाँ पे सेटअप हमें देखने को मिल सकता है। इस तरीके से ट्रेडर्स आज के दिन XAU/USD यानी गोल्ड में एक सिंपल सा सपोर्ट रेसिस्टेंस को हम मार कर सकते हैं, सिंपल सा टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई, थोड़ा आइडिया मिला, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको इस तरीके की वीडियो देखने को मिले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स फिर एक और नई ऐसी एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।